सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कार असिस्ट। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया हूँ, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसी कार की जिसको काफ़ी ज़्यादा समय से इंतजार किया जा रहा था। और ये जो कार है ये स्कोडा की कार है। स्कोडा ने इसको रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया है। हम बात करने वाले हैं स्कोडा की क्वेशाक की। तो स्कोडा की जो क्वेशाक है वो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा समय से मतलब टेस्टिंग वगैरह भी चल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा इसका इंतजार किया जा रहा था। ये कार इंडियन मार्केट के अंदर फिलहाल क्रेटा, सेल्टॉस और जो अपकमिंग वॉक्स वैगन टियागो ने इन कार्स के साथ कम्पीट करेगी। इसका मतलब ये कार जो है वो मिड साइड एसयूवी जो सेगमेंट है उसके अंदर आई है। लेकिन इस सेगमेंट के अंदर जो कार्स है उसके मुकाबले इस कार को थोड़ा सा प्रीमियम साइड के अंदर लॉन्च किया गया है वैसे। लेकिन जो इसकी ब्रांड इमेज है स्कोडा की, मतलब जो मतलब प्रीमियम कार्स वगैरह की, उस हिसाब से जो इसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अब देखते हैं क्या ये स्कोडा को जो है वो सक्सेस जो स्कोडा एक्सपेक्ट कर रहा है वो दिला पाएगा, या वापस ये भी पुरानी कार्स की जैसे मतलब कुछ ही यूनिट्स सेल करके रुक जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 10 ऐसे पॉइंट्स की जो अगर आप इस सेगमेंट की कार को प्रेफर कर रहे हैं या फिर कुशैक को ही प्रेफर कर रहे हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए, या फिर अगर आप क्रेटा या सेल्टॉस देख रहे हैं तो उसके बजाय अगर आप कुशैक को प्रेफर करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो कार है वो वॉक्स वैगन ऑटो ग्रुप जो है उसका इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के अंदर मेड पहला प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये जो कार है ये मेड इन इंडिया है, इसको कम्प्लीटली इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है ताकि इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम रह सके। और स्कोडा जो है वो अब अपनी अपकमिंग सारी कार्स, मतलब वॉक्स वैगन ग्रुप है ऑटो ग्रुप, ये अपनी सारी जो अपकमिंग कार्स है उसको इंडियन मार्केट के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगा ताकि इसकी जो प्राइस है वो लो करी जा सके, जो कि मेन रीज़न है क्यों जिसके कारण वॉक्स वैगन और स्कोडा की जो कार्स है वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइस्ड रहती है और जिसके कारण इनकी सेल्स इतनी कम रह जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब जो स्कोडा है वो और वॉक्स वैगन है वो अपनी कार्स को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये उस प्रोजेक्ट की पहली कार थी। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये रहता है इसका शार्प एक्सटीरियर डिज़ाइन। कुशैक जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस है और इसके लुक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। एक्सटीरियर जो है वो लास्ट ईयर के ऑटो एक्सपो के अंदर जो विजन IN कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर में फ्रंट के अंदर वर्टिकली स्प्लिट LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। स्कोडा की जो सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल है वो हमें देखने को मिल जाती है। एग्रेसिव फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाता है और एल शेप जो LED टेल लाइट्स हैं पीछे की तरफ वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ इसके अंदर छत के ऊपर हमें सिल्वर फिनिश्ड रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है, और जो और ओवरऑल जो बॉडी है उसके ऊपर हमें ब्लैक क्लैडिंग्स देखने को मिल जाती है जो कि इसको एक रगेड लुक प्रोवाइड करती है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसकी हम बात करें तो वो रहता है जो कुशैक है इसका इस सेगमेंट के अंदर, मतलब क्रेटा, सेल्टॉस या अपकमिंग जो टियागुन है इन सब के मुकाबले सबसे लंबा व्हील बेस है। डायमेंशंस वगैरह की बात करें तो जो स्कोडा कुशैक है उसकी डायमेंशन क्रेटा और सेल्टॉस से छोटी है, लेकिन जो व्हील बेस है वो इसका सबसे बड़ा है। कुशैक का जो व्हील बेस है वो है 2651 mm का, जो कि सेगमेंट का सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन जो लेंथ वगैरह है उसके अंदर कुशैक जो है उसकी लेंथ है 4221 mm, विड्थ जो है वो रहती है इसकी 1760 mm, और जो हाइट है वो रहती है इसकी 1612 mm। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि इंडिया का एक काफ़ी ज़्यादा रीज़न है कि लोग बाग SUVs को प्रेफर कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हमें 188 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो जो स्कोडा है उसने इस कार के अंदर मतलब कलर ऑप्शंस के अंदर भरपूर ऑप्शंस आपको दिए हैं। इसके अंदर आपको कैंडी वाइट, ब्रिलियंट सिल्वर, कार्बन स्टील, हनी ऑरेंज और टॉर्नेडो रेड करके जो पांच कलर ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं। पांचों ही जो कलर ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा हटके कलर्स हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लुक और यूनिक प्रोडक्ट स्कोडा कुशैक को बना देते हैं। उसके बाद अगर फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं तो वो रहने वाला है प्रीमियम इंटीरियर। जैसा कि हम सब जानते हैं स्कोडा जो है और जो वॉक्स वैगन ग्रुप है ये अपनी प्रीमियम कार्ड्स के लिए इंडिया के अंदर जाना जाता है, उसी कारण इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा रहती है। तो जो स्कोडा कुशैक है वो सस्ती वाली है, लेकिन जो ओवरऑल प्रीमियमनेस है और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, फिट फिनिश है कार्स की, स्कोडा कार्स की, उसको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो इसके इंटीरियर के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील मिलता है। इसका जो इंटीरियर है उसके अंदर हमें डार्क इंटीरियर की थीम मिलती है, जिसके साथ हमें जो है फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है और जो टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है वो इसके इंटीरियर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हाईलाइट है। जो टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जनरेशन ऑफ एस क्लास थी उससे मैच करता है। उसके बाद अगर जो AC वेंट्स है, जो सेंट्रल AC वेंट्स है उसके अंदर हमें रेक्टेंगुलर वेंट्स मिलते हैं, और जो साइड्स वाले हैं उसके अंदर हमें हेक्सागोनल AC वेंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लुक जो है एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर हमें ब्लैक और ग्रे कलर की अपहोल्स्ट्री मिलती है रेड कलर की स्टिचिंग्स के साथ, जो काफ़ी एक कॉन्ट्रास्टिंग लुक प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट की, तो सिक्स जो पॉइंट है वो है इसके अंदर के फीचर्स और इक्विपमेंट्स। स्कोडा जैसे कि अपने सेफ्टी और जो फीचर्स है उसके लिए अच्छे से जाना जाता है, तो इसके अंदर जो फीचर्स है उसकी अगर सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर हमें 10 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। कनेक्टेड कार टैग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो हमें इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। सनरूफ मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाता है, और एक क्रूज कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। एम्बिएंट लाइट्स मिल जाती है,
जो टेल गेट्स है वो हमें पावर ऑपरेटेड मिल जाता है, जो कि सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है अभी तक, और किसी कार के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, कीलेस एंट्री, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और जो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स है वो देखने को मिल जाती है। बात करें हम 7 पॉइंट की, तो वो रहने वाला है कि ये जो कार है वो बेस्ड है MQB A0 IN प्लेटफॉर्म के अंदर, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर जो IN है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, जो कि स्कोडा और वॉक्सवैगन ग्रुप ने स्पेशली इंडिया के अंदर बनाया था, जो कि अब आने वाली बहुत सारी अपकमिंग कार्स के अंदर भी यूज़ होगा, चाहे वो टियागोन हो या फिर अपकमिंग जो स्कोडा रैपिड या वॉक्सवैगन वेंटो की जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो हो, उन सब के अंदर हमें ये प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो हैवीली लोकलाइज्ड है, जिसके कारण इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। उसके बाद अगर 8 पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर हमें जो पावर ट्रेन ऑप्शन है उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुशैक के अंदर हमें एक तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर और 117 Nm का टॉर्क। इसके साथ हमें एक 6 स्पीड का मैनुअल या फिर 6 स्पीड का जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो देखने को मिलता है। और जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो रहता है हमारे पास 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क। इसके साथ हमें 6 स्पीड का मैनुअल या फिर 7 स्पीड का जो DSG गियरबॉक्स है वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बस स्कोडा कुशाक के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हमें कोई भी डीजल इंजन देखने को नहीं मिलता है, जबकि इंडियन मार्केट के अंदर लोग बाग माइलेज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये एक छोटा सा जो डिसएडवांटेज है वो स्कोडा कुशाक के लिए रह जाता है। उसके बाद अगर 9 पॉइंट की बात करें तो वो रहता है सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी के अंदर जो कुशाक है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं दी गई है। इसके अंदर हमें ABS, EBD, ESC, मल्टी कोलोजन ब्रेकिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और जो एंकर पॉइंट्स है वो देखने को मिल जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सारी ही सीटों के ऊपर। हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। रियर पार्किंग कैमरा और जो एयरबैग्स हैं वो बेस वेरियंट के अंदर 2 मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका वेरियंट बढ़ता था हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 एयरबैग्स जो हैं वो इस कार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर 10 पॉइंट की बात करें तो वो रह जाती है प्राइसिंग और जो इसके राइवल्स हैं वो। तो स्कोडा कुशाक की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 10.50 लाख से, और जो टॉप मॉडल है उसकी प्राइस जाती है 17.6 लाख तक, जो कि एक्स शोरूम प्राइसेस है। ये जो कार है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, क्योंकि जो क्रेटा है या जो सेल्टॉस है उसकी जो बेस वेरियंट्स हैं उनकी एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसकी जो मतलब 50,000 के आसपास का डिफरेंस है ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह जाता है। लेकिन अगर आप वो प्रीमियमनेस और जो राइडिंग और जो ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्कोडा कार्स की, वॉक्सवैगन कार्स की, उसको अगर प्रेफर करेंगे तो ये जो 50,000 से ये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। अगर बात करें इसके राइवल्स की, तो राइवल्स के अंदर रहने वाले ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति सुजुकी की एस क्रॉस, रेनल्ट डस्टर या फिर निसान किक्स। ठीक है, तो लगभग लगभग मैं स्कोडा कुशाक के बारे में आपसे सारी बात कर चुका हूँ। ओवरऑल जो स्कोडा कुशाक है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील इसकी कैबिन के अंदर है, प्लस जो स्कोडा वॉक्स वैगन की ड्राइविंग फील होती है वो एक अलग ही लेवल पे होती है हमेशा बाकी कोरियंस के मुकाबले, क्योंकि कोरियंस का जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके अंदर जो स्टीयरिंग फील फीडबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर माना जाता है। लेकिन स्कोडा वॉक्स वैगन की कार्स का जो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो सस्पेंशन सेटअप हो, चाहे वो स्टीयरिंग फील हो, हर चीज़ के अंदर परफेक्ट होता है। तो अब देखते हैं क्या स्कोडा कुशाक जो है वो स्कोडा की आशाओं के ऊपर खरी उतरेगी और ये मार्केट के अंदर जो स्कोडा का कवर है वो कवर कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।